हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी करीब बज रही है सुबह की 7। सभ्या का लंच बॉक्स वगैरह मैंने बना कर रख दिया था। सिंपल सा ही टिफ़िन बनाया था और उसको मैंने रेडी किया। फिर कभी कभी यूनिफॉर्म पहनने में ना हेल्प करनी होती। वैसे जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना काम से कभी कभी, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो बस आज ना मैंने उसे लंच बॉक्स में क्रीम रोल रख दिया था और साथ ही पराठा और सॉस रखा था। और उसके बाद ना उसने ब्रेकफास्ट में टोस्ट खाया था, क्योंकि उसे काफ़ी दिन से याद आ रहा था। चाय वो ऑलरेडी मतलब दूध आई मीन्स पी चुकी थी। उसके बाद मैंने उसकी चोटी वगैरह बनाई और फिर तो वो चली गई थी स्कूल। उसके बाद ना अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे 8:30 बजे के लगभग। येलो वाइट और ब्लू अच्छी वाली यूनिफॉर्म ब्लैक है। अच्छा ब्लैक है भाई, काना के फेवरेट कलर से। जल्दी आओ, वो काश भाई पहन लेगा फिर। लगा रही हूँ ना, कितना सुंदर लग रहा है। राइट हैंड से उधर करो, उधर मुकरो। जे 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 जे। तो आज था काना का स्कूल का फर्स्ट डे और उसको फटाफट से रेडी वेडी किया। और आज पहला दिन था तो भगवान जी को दीपक वगैरह लगवाया, ऐसे धूप वगैरह दिलवाई। और हम लोग रिचुअल्स तो फॉलो करते ही हैं, तो बस फर्स्ट डे था तो उसे तिलक वगैरह किया। तो बड़ा एक्साइटेड था वो स्कूल जाने के लिए। तो यूनिफॉर्म वगैरह भी पहन ली थी, एक दिन पहले लेकर आया था ना, तो घूम भी रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी ना उसे शक्कर खिलाई थी। पहले मेरा मन था दही और चीनी खिलाने का, बट क्या पता खाता नहीं खाता, उसका मूड पर डिपेंड करता है इतने बड़े बच्चों का। बस उसको थोड़ी ही खानी थी, उसने थोड़ी सी खाई बस, फिर वो खुश हो गया था। फिर मैंने उसे एक चॉकलेट भी दे दी थी कि बच्चे ना थोड़े से उनके हिसाब से अगर हम चलें तो ठीक रहता है। फिर उसको बोला कि दादाजी के पैर पड़ो। फिर इधर पंधेरी पर हमने जेजे के मतलब पंधेरी के पैर पड़वाए उसको भगवान जी के। चलो इधर दिखाओ पापा को। फिर इसके बाद ना हम लोग आ गए थे नीचे जहाँ पर हमारे मेन भगवान जी हैं। वहाँ पर उसे दीपक वगैरह लगवाया मैंने। और ना ये आदत पहले तो सभ्या की डेली ही थी, इस साल अभी वो पता नहीं क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा लेट हो जाती, क्योंकि वो आजकल संस्कार पर जो दर्शन आते हैं ना श्रीनाथ जी के, वो करने के बाद जाती है स्कूल, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाती है, इस चक्कर में उसका हो नहीं पा रहा है। बट ये अब मैं कंटिन्यू करूँगी। और काना को भी हम ये डेली हैबिट डालेंगे कि आप भगवान के और घर में सबके बड़ों के पैर पढ़ कर जाया करो। अभी तक उसको ये हैबिट हम लोगों ने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हमारे यहाँ पर जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक पैर नहीं छुए जाते, क्योंकि वो माता जी के बाल होते हैं और हम पैर छूते हैं तो वो बाल भी हमारे टच होते हैं। इसी चक्कर में उसकी आदत नहीं डाली। तो फिर उसने मम्मी के, मेरे और फिर इनके पैर छुए, और जो घर में बड़े बुजुर्गों की जो फ़ोटो वगैरह लगी है ना वहाँ पर भी उसने अच्छे से पैर वगैरह छुए। और फिर हम लोग आ गए थे नीचे तो उसको सैंडल वगैरह पहना है। अभी ऐसे उसको शूज़ वगैरह का बोला नहीं था स्कूल में, तो वो हमने लिया नहीं था, तो बस वो इतना खुश होकर गया था। वैसे गया तो वो खुश होकर ही था, बढ़िया गाड़ी पर भी बैठ कर अपनी चॉकलेट्स को हिलाते डुलाते। इतने सारे बच्चों के बीच में वो चॉकलेट लेकर गया ना, तो थोड़ा सा लग रहा था कि ये सब लड़ाई होने लगे। बस थोड़ा ही दूर है स्कूल, वहाँ हम लोग पहुँच गए थे और बच्चे भी थे। हम लोग आज टाइम से ही पहुँच गए थे, जैसे जिस टाइम दिया था उन लोगों ने हमें। बस फिर हम लोग अंदर गए, उसके बाद का मेन स्ट्रगल चालू होता है। जाओ बैग ले जाओ। बस इसके बाद ना फिर तो उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। उसे लग रहा था कि हाँ अब मम्मा चली जाएगी, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था, भगवान ही जाने क्या सोच रहा था। हाँ पर उसने ये देखा है कि मम्मा स्कूल नहीं जाती है, बच्चे अकेले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ना हमने उसे वहाँ पर छोड़ा है, बहुत रोया, इतने टाइट से पकड़ लिया था, बट फिर हम उसे छोड़ कर ना आ गए थे। अभी करीब बच रही है 10 और पता है आपको मेरा सब काम ना आज तो 8:30 बजे कंप्लीट हो गया था। आज खाना का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो हम लोग उसे छोड़ने गए थे और उसको छोड़ कर आ गए। थोड़ी देर रुकना पड़ा हमें क्योंकि वो रो रहा था काफ़ी। पहले तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ थोड़ी सी देर रुकी और फिर उसको छोड़ा मैंने। और फिर उसके बाद वहाँ थोड़ा सा बैठने के बाद ना फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर रुके। वहाँ पे जो थी ना आया वगैरह, उन्होंने बोला आप थोड़ा सा स्कूल के आगे वेट करो, कभी वो ज़्यादा रोएगा तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, नहीं तो आपको घर से लेने आना पड़ेगा। और अभी मेरा तो ऑलमोस्ट काम तो हो ही चुका था और आज हमें कहीं और जाना है।
मकान की ओपनिंग है, मतलब इनके बेस्ट फ्रेंड है उनके घर पर, तो बस इसलिए ना मैं काम पहले ही कंप्लीट कर लिया था अपना, क्योंकि हम लोगों को तो खाना वाना खाना नहीं है, मम्मी दादी और पापा का ही है बस घर पर खाना। और अब खाना जब स्कूल से आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग रेडी वगैरह होकर जाएंगे। गिफ्ट्स वगैरह भी हमने पैक कर लिया है, मैंने भी थोड़ा सा ईयरिंग्स वगैरह चेंज कर लिया, अच्छा नहीं लगता, काफ़ी लोग आने वाले हैं वहाँ पर। तो बस बैठी हूँ, अभी तो 10 ही बजा है, बस आकर चेंज वेंज किया। 9:30 के लगभग आए थे हम लोग घर, स्कूल गए थे 8:45 बजे, फिर आए जब 9:30 से ऊपर हो रहा था टाइम, थोड़ी देर वहाँ रुकना पड़ा ना इसलिए। और अब 11 बजे तक उसकी फिर से छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, तो उसको लेकर फिर रेडी वगैरह होकर फिर जाएंगे हम लोग जहाँ हमें जाना है। और ये तो चले गए हैं नीचे, ये भी आकर एक बार, और फिर जब ऊपर आएंगे उसको लेकर तब रेडी हो जाएंगे। तैयार क्या कैसा, अब उसके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सभ्या ने तो बिल्कुल भी हमें स्कूल जाने में परेशान नहीं किया था, और आज वहाँ से आने के बाद हमें फिर एक और जगह जाना है। चलिए मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, गर्मी काफ़ी हो रही है ना, उमस उमस टाइप से मौसम हो रहा है, और एक आधी बारी पहनी है मैंने, काफ़ी टाइम हो गया इसे लिए को। और इसका कुछ इस तरह से ब्लाउज़ है, फ्रंट में कुछ इस तरह से, मतलब बैक में कुछ इस तरह से मैंने इसमें दो बो बनवाए थे, मैं यही पहनने वाली हूँ अभी। और बस अब फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, हाथ मुँह वगैरह तो मैंने धो लिया अच्छे से, इसीलिए मैंने चेंज कर ना नाइट सूटी पहन लिया था, क्योंकि आऊँगी स्कूल से आई चेंज किया, फिर साड़ी पहनना है, फिर वहाँ से आऊँगी फिर चेंज करके दूसरी साड़ी पहनना है, या यही पहन जाऊँगी जो भी है जैसा भी है देखते हैं। इस चक्कर में मैंने आज यही पहन लिया, क्यों सूट बिगाड़ना है। बस इसके बाद ना मैंने साड़ी पहनी, पहले तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले ही रेडी हो जाती हूँ काना के स्कूल से आने के पहले, नहीं तो फिर वो आ जाएगा ना तो क्या पता किस मूड से आएगा, ये पता नहीं था। तो बस 10-15 मिनट में तो मेरा मेकअप भी डन हो गया था, बस ये मेरा फाइनल लुक था, उसके बाद तो काना आ ही गया था इतनी देर में। आओ जल्दी आओ, ये कपड़े पहन के, नहीं नहीं शादी में चलना अपने को, शादी काहे की होती है, बाजे में चलना है, जल्दी आओ भैया के बाजे, भैया के बाजे जल्दी आओ। फिर जल्दी से काना को रेडी किया, और इतनी देर में जब तक पापा ने खाना वाना खाया फिर वो आ गए थे नीचे शॉप पर, तो हम लोग भी यहाँ आ गए थे टाइम से ही, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लेट आऊँ, पर जब हम लोग जब तक हम लोग आए ना यहाँ पर तो पूजा पाठ तो सब हो ही चुकी थी, हवन हो चुका था। बस फिर हम लोग भी सब चले गए थे अंदर, और जब हम अंदर पहुँचे ना तब आरती बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी, क्योंकि हम लोग आए तब तक हवन तो खत्म हो चुका था और सत्यनारायण की कथा भी खत्म हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने आरती वगैरह की, और काफ़ी सफोकेशन हो रहा था अंदर ही अंदर ना, धुआं सब भर गया था, तो काना ना बाहर धूप में ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। थोड़ी देर हम लोग वहीं बैठे, और फिर पास ही में ना सभ्या के एक फ्रेंड का घर है तो हम लोग वहाँ आ गए थे, वो भाभी से भी मिलना हो गया, और बच्चे भी थोड़ी देर यहाँ पर आराम से खेल लिए, और सभ्या भी आ गई थी इतनी ही देर में स्कूल से। फिर बस हम लोगों ने सब ने खाना वाना खाया, और इतना सब करते करते ही ना 2:15 के लगभग समय हो गया था, बट खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, भगवान जी के प्रसाद के रूप में बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है खाना, और काफ़ी अच्छे हैं सब लोग, अंकल आंटी भी। फिर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम लोगों ने साथ में लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारा मिलना हुआ था, और हमारे बच्चे भी काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, और ये लोग 4 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और उनकी वाइफ से हम लोग सब, हम लोग भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स से मिलते जुलते रहते हैं। और यहीं पर हुई थी पूजा पाठ, तो तब उस समय हम आ नहीं पाए थे इधर का एरिया देखने, क्योंकि घर के लोग ही थे और सब कुछ होता है ना, देना लेना वो सब कुछ चल रहा था। और इसके बाद फिर हम लोग घर आए थे 3:30 के लगभग, और हम घर आए 3:30 पे, और 4:15 पे हम लोग आ गए थे किटी में, क्योंकि आज ही समाज की जो हमारी किटी होती है महिला मंडल की, वो भी आज ही के दिन होना थी। तो बस मैं दोनों बच्चों को लेकर फिर वहाँ पहुँच गई। आते ही साथ ना पहले होस्ट हाउस ही होता है, होस्ट हाउस ही हुआ, फिर एक और सब हाउस ही जो खेलते हैं मेनली वो हुई, उसके बाद में फिर गेम स्टार्ट हुआ। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, इस तरह से जो टूथपिक में आपको रबर लेना था एक बार में, जितने रबर टूथपिक में है ना वो काउंट होंगे, और उसके बाहर के जो रबर है वो काउंट नहीं होंगे। और जो येलो साड़ी में आपको चाची दिखाई दे रहे उनकी किटी थी आज, और हमारे यहाँ पर किटी ना अधिकतर गार्डन में ही होती है, बट अभी बारिश का सीज़न था और एकदम से बारिश होने लगी, इस चक्कर में ना घर पर किटी हुई थी।
और फिर नाश्ता वगैरह हुआ, पर मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना, तो बस मैंने थोड़े बहुत वो जो फ़ोटोज़ वगैरह थे वो निकलवाए और फिर मैं तो घर आ गई थी। बट इसके बाद कुछ रील्स वगैरह भी बनाई थी हम लोगों ने और मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ में शेयर करी। और बहुत सारे लोग ना हमारे यहाँ पर अभी मिसिंग है क्योंकि अभी शादियों का सीज़न भी है और कुछ लोग बाहर गए घूमने इस वजह से। और ना थीम रखी हुई थी बारिश के कारण गॉगल्स और चश्मा लाने छाता लाने को सबके लिए बोला था। और ये हमारे गेम के तीनों विनर हैं आज के। अभी करीब बजने वाली है 9 और आज का मेरा जो पूरा दिन है ना, जितना हैट्रिक डे था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सुबह से जो 6:15 से मैं बिज़ी हुई हूँ, जिसकी मैं 7 के लगभग थोड़ा फ्री हो गई थी, बच्चे काना सो चुका है 7 से ही आज। और सभ्या को भी फिर मैंने खाना वाना खाकर सुला दिया और मैं सुबह के लिए भिंडी सुधार कर रख रही हूँ। आते से सबसे पहले ना मैंने सब्जी को वॉश कर रख दिया था, भिंडी पहले वॉश कर रखी नहीं थी इस बार, तो बस मैंने सोचा कि इसे भी सुधार कर रख देते हैं कि सुबह टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज काना का स्कूल का फर्स्ट डे था तो मुझे उसे वहाँ छोड़ने जाना था। फिर आज एक जगह हमें ओपनिंग में जाना था तो वहाँ भी हम 12 के लगभग चले गए थे और वहाँ से आए 3:30। 3:30 घर आए, सभ्या को चेंज वेंज करवाया हमने, सभ्या को डायरेक्ट वहीं बुला लिया था क्योंकि काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे उनसे और वो लोग पूछ भी रहे थे उसका, और स्कूल से फिर उसे वहीं बुला लिया डायरेक्ट हम लोग ने। और फिर हम लोगों को आज हमारे समाज की जो पीटी होती है ना BC, वो भी आज थी। तो मैं 3:30 घर आई और 4:15 के लगभग 4 के बीच में मैं फिर से निकल गई थी। फिर किटी से आई मैं 6:30 तो थोड़ी देर सब चाय वाय पी, सभ्या को पढ़ाया। तो बस आज का पूरा दिन ना भगदड़ में, अभी भी मेरा हेडेक हो रहा है, भयंकर वाला हो रहा है। पर मैंने सोचा कि चलो इतनी जल्दी कोई नींद तो आने वाली नहीं है, और ये अभी वहीं गए फिर से, वहीं पर भजन वजन है मतलब शाम को, तो मुझसे तो बनाई नहीं बिल्कुल, और बच्चे भी सो गए थे दोनों, कोई मतलब नहीं गानों को फिर से कल स्कूल लेकर जाना है। कल भी जाऊंगी मैं, उसे भी छोड़नी, लेकिन स्टार्टिंग में तो जाऊंगी, ज़्यादा जिद करता है रोता है क्या पता क्या रहती है। तो बस चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।